कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। गाइस, जनरली पेशेंट आती हैं एंड उनका क्वेश्चन आता है कि मैम, हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे जो जीभ होते हैं उस पर वाइट वाइट पैचेस दिखते हैं, यानी कि एक लेयर दिखती है वाइट सा सफ़ेद। हम जब मुंह को साफ करते हैं तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन फिर कुछ समय के बाद वापस से दिखने लगता है। तो ये बेसिकली है क्या? क्या ये किसी टाइप्स की प्रॉब्लम है या फिर कोई गंदगी है जो हमारे जीभ पे एक परत के जैसी जमी हुई है? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीभ के ऊपर जो सफ़ेद परत जम जाती है, ये क्या किसी टाइप्स की प्रॉब्लम है या फिर किसी टाइप्स की गंदगी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए, इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो, आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे कि अगर आपके जीभ पे इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो रखा है तो बेसिकली ये एक तरह का ओरल थ्रस्ट यानी कि फंगल इन्फेक्शन होता है। इसे ओरल कैंडिडियासिस भी कहते हैं। ये जीभ जीभ पे जमने वाली मैल या परत नहीं है, ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है। तो क्या इसके कारण होते हैं, जम जाते हैं, तो इसका क्या सिम्टम्स यानी कि क्या लक्षण आपको दिखने को मिल सकते हैं एंड इसका इलाज क्या होता है, ये सारी ही चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। हम जान लेते हैं कारण, कॉज के बारे में कि किन किन कारणों की वजह से ये आपको जो है जीभ पर देखने को मिल सकती है, यानी कि ओरल थ्रस्ट या ओरल कैंडिडियासिस। बेसिकली गाइस, इसका जो कारण होता है, पहला कारण होता है ओरल हाइजीन। जो लोग अपने मुँह की साफ सफाई अच्छे से नहीं रखते हैं, दांतों के बीच में खाना फंस गया हो उसे क्लीन नहीं करते हैं, जीभ पे जो गंदगी जमती है उसे क्लीन नहीं करते हैं, खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं, तो इस कारण से हमारे माउथ में बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है एंड ये ओरल थ्रस्ट की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। दूसरा है ड्राई माउथ। जिनका मुँह सूखता है, बार बार प्यास लगती है, मुँह सूखती है, उनमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या जिन्हें एड्स या HIV की प्रॉब्लम है, वैसे पेशेंट्स में भी ओरल थ्रस्ट हो सकता है। जो लोग स्टेरॉयडल मेडिसिन लेते हैं या जो टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन लेते हैं, तो ये दोनों मेडिसिन लेने की वजह से भी जो आपकी जीभ है उस पर वाइट परत आपको देखने को मिल सकती है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं एंड जो डेंचर वियर करते हैं यानी कि जो मुँह की बत्तीसी होती है, डेंचर पहनने से कभी कभी यहाँ वहाँ जो हमारे सॉफ्ट म्यूकोसास होते हैं उसमें इंजरीज हो जाती है। इंजरीज में होने की वजह से जब हम खाना पीना खाते हैं तो उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इस कारण से भी जो आपकी जीभ की परत है उस पर वाइट वाइट आपको दिख सकता है। कारण अब हम जान लेंगे कि इस अगर आपको वाइट परत जीभ पर जमी हुई दिख रही है, जिसे हम मेडिकल टर्म में ओरल थ्रस्ट कहते हैं, तो उसके सिम्टम्स क्या है, कैसे लक्षण आपको दिखेंगे जिससे आपको पहचानने में आसानी हो सके कि नॉर्मल हमारे जीभ पे किसी टाइप्स की मैल जमी है या फिर कोई डेंटल प्रॉब्लम्स है। लक्षण में पहले आपको दिखेगा रेडनेस, अंदर आपके मुंह के अंदर रेडनेस होगी यानी कि लाल थोड़ा हल्का सा दिखेगा, या फिर कॉर्नर ऑफ माउथ, ये जो कॉर्नर ऑफ द माउथ होती है वहां पर आपको रेडनेस देखने को मिलेगी। इसके साथ गाइस, आप जब कुछ भी खाना पीना खाएंगे तो उसका जो टेस्ट है वो आपको अच्छे से नहीं आएगा, खाना निगलने भी परेशानी होगी, क्योंकि ये जो ओरल थ्रस्ट होता है ये जीभ के साथ साथ ओरोफेरेंजियल स्पेस यानी कि जो गले होते हैं वहाँ तक इसका इन्फेक्शन जाता है, तो कोई भी खाना निगलने में भी परेशानी आती है। अगर जो आपका इन्फेक्शन है वो इसोफेगस यानी कि जो आपका गला है वहाँ तक पहुँच गया है, तो आपको स्लाइटली फीवर भी आ सकता है एंड जो आपका जीभ है हल्का सा कॉटनी सा आपको फील होगा, क्योंकि ये जो वाइट फंगस होते हैं वो थोड़ा सा कॉटनी जैसे दिखते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, तो जो आपको फील होगी वो कॉटनी जैसा होगा। सो गाइस, आप यहाँ अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अगर कोई परत जमी होगी, कोई गंदगी जमी होगी तो आपको सॉफ्ट फील नहीं होगा, बस फंगस के केस में वो आपको कॉटन के जैसा फील होगा। हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे गाइस, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला है कि आपको अपना ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए। प्रॉपर तरीके से आप अपने माउथ को क्लीन करिए, माउथ खुला करिए एंड अगर कोई भी फूड पार्टिकल्स यानी कि खाने के टुकड़े आपके दांतों के बीच में फंसता है तो उसे अच्छे से क्लीन करिए, ताकि किसी भी टाइप का बैक्टीरियल एंड फंगल ग्रोथ आपके माउथ में ना हो। इसके साथ गाइस, इस कंडीशन में एंटी फंगल मेडिसिन चलाई जाती है, जिससे
जो आपका फंगल इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है। और इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ये बहुत ही आसानी से ठीक हो जाता है। ये कोई कैंसरस लीजन नहीं है जिसमें बहुत सारी परेशानियां आ सकती है। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गाइस बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।